अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और आज ब्रेकफास्ट बनाने के फ़ौरन बाद ही मैंने आलू रख लिए हैं और बॉयल होने के लिए, और उसके साथ जो मक्खन मैंने निकाल के रखा था फ्रिज में, तो उसका मैं देसी घी बनाऊँगी, तो वो भी मैंने यहाँ पर साथ ही रख लिया है। और आज हमारे सुबह के नाश्ते में क्या है, तो मैं आज रोटी ले रही हूँ, उसके साथ थोड़ी सी क्रीम ले रही हूँ। कभी कभी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं जैम के साथ लेती हूँ, खाली कभी नहीं लेती हूँ। तो आज दिल चाह रहा था थोड़ा सा इस तरह का नाश्ता करने को, और जैम जो था वो लेकर आई थी, तो मैंने सोचा इसको भी खा लूँ, एक्सपायर ना हो जाए। उसके बाद जी जल्दी जल्दी से मैंने सारा कार पोर्च वॉश किया, क्लीन किया सारा, और उसके बाद आलू जो बॉयल हो गए थे उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। साथ साथ मैं एक्चुअली काम भी कर रही हूँ, तो लैपटॉप भी मैं यहीं पे ले आई, और कुछ मेरे किचन के भी आज काफ़ी सारे काम थे, मैंने सोचा चलो वो भी आज मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और देसी घी भी बन गया है, साथ आलू भी बॉयल हो गए हैं। अच्छा, चाय तो मैं खैर पीऊँगी अभी। उसके साथ एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि मैंने ना ये जो लहसुन है पानी में भिगो कर रखा था, गार्लिक, तो मैंने सुना था काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में कि इस तरह थोड़ी देर रख लें तो हाथों पे जो तेज़ी है ना वो नहीं आती इसकी, क्योंकि हमेशा मैं जब भी ये काटती हूँ ना तो मेरे हाथ बहुत ही रेड हो जाते हैं और अजीब सी ईचिंग होती है, बहुत तंग होती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दिए हैं। और ये जी फ्रोज़न ऑनियन जो हैं, कल मैंने फ्रीज़ किए थे ना, हरा प्याज जो होता है, रात को मैंने रखा था, तो आप देखें ये भी अच्छी तरह से एयर टाइट, बिल्कुल जिप लॉक बैग है, तो ये भी उसमें अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गया। तो मैंने सोचा चलें ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँ। कल का व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, मैं शेयर कर दूँगी, ऊपर लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और अभी शाम का टाइम है तो मैं किचन में आई हूँ, शाम से थोड़ा पहले का टाइम है, मैंने अपना व्लॉग लगा दिया जी एक्सपोर्ट होने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे घर में ना रस में लेकर आई थी, मैंने सोचा था चलो हम लोग खा लेंगे, लेकिन बिल्कुल ही खा भी नहीं रहे। और उसके बाद खा इसलिए नहीं रहे कि बिल्कुल ही ना कुछ दिन बाद ही बिल्कुल घीमी सी हो गई थी, हालाँकि मैंने शॉपर बिल्कुल टाइट करके रखा हुआ था, ज़्यादा होती हैं, इतना बड़ा कंटेनर तो नहीं है कि मैं रखूँ, तो मैंने जो शॉपर है ना एयर टाइट किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो गई। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये किया करें कि मैं एक्चुअली रस अभी मतलब हार्ड नहीं कर रही हूँ, मैं इसका ना अभी इनके क्रम्स बना लूँगी, ब्रेड क्रम्स जो होते हैं, तो पहले मैं ऐसे ही रख रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं तोड़ के रख लूँ। और इसको आप ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बेक मत कीजिएगा, 5 से 10 मिनट ही मैंने बस ओवन को अपना प्री हीट किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, और इसको 150-160 डिग्री इतने पर आपने रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पे रखेंगे तो ये इनका कलर ख़राब हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा और जलने लग जाती हैं ये, फिर ये अच्छी नहीं लगती। तो मैं इनको अभी बिल्कुल 150-160 पे रखूँगी, 5-10 मिनट, हार्डली 15 मिनट्स रखें आप, तो ये बिल्कुल ही हार्ड हो जाती हैं, थोड़ा सा ठंडा करें इसको आप, फिर वैसे ही फ्रेश बिल्कुल हो जाती हैं, आप वैसे ही यूज़ कर लें, या जैसे मैं आज बनाऊँगी ब्रेड क्रम्स बना के आप रख लें तो काफ़ी अर्सा ये चल जाती हैं। तो चीज़ों को मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ, आपको हमेशा मैं कहती हूँ चीज़ें मैं ज़ाया बहुत ही कम करती हूँ, बल्कि नहीं करती, कोशिश करती हूँ कुछ ज़ाया ना हो, कुछ वेस्ट ना हो, हर चीज़ आप उसको यूज़ कर लें। और इसको मैंने ओवन में रख दिया है, ओवन काफ़ी बार मैं दिखा चुकी हूँ, अगर हुआ तो अभी फिर पिक्चर दे दूँगी, मेरा नोवा का है, बहुत पुराना है, मेरे स्कूल कॉलेज के दौर का है, स्टिल काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं फिर क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, और पूछा जाता है कि एक बार दिखा दें या आप बताएं, तो ये मेरा स्कूल कॉलेज के दौर का है, शादी से बहुत पहले का, मैं शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा बेकिंग करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इसीलिए शुरू से कुकिंग करती थी, नहीं करती थी बेकिंग मैं मस्ट करती थी, और कुकिंग तो खैर मुझे शुरू से शौक़ था, तो मैं बहुत दिल से करती थी, अभी भी करती हूँ, पहले भी करती थी, तो होप्स हो कि अब ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके साथ आप ये देखें कि मैंने जो लहसुन है, गार्लिक है, बहुत ही इजी तरह से, बहुत ही मतलब इजीली ये मैंने इसके छिलके उतार लिए, आज ना मेरे हाथ जले हैं ना कुछ हुआ है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप ऐसे करते हैं नहीं करते। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, इस तरह भिगोकर छीला और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये सॉफ़्ट हो गया था, और अच्छे तरह से मैंने इसको
छील लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम हाथों पे नहीं हुई। अदरवाइज़ आपको पता है मेरे हाथ स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हर चीज़ से मुझे इशू चलता ही रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। पोटैटो मैशर से मैंने अच्छी तरह से जो है जो उबले हुए आलू थे उनको मैश कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने नमक डाला है, मिर्च डाली है, हल्दी डाली है। इसके साथ मैं बहुत सारा चाट मसाला डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी, सूखा जो पुदीना होता है जिसकी मैं आपको कल के व्लॉग में भी बता चुकी हूँ, काफ़ी बार हर व्लॉग में बता चुकी हूँ, सूखा पुदीना, ड्राई पुदीना जो होता है, ड्राई मिंट, तो वो मैं डालूंगी। और धनिया डाल रही हूँ, हरी मिर्चें मैं नहीं डाल रही क्योंकि किसी को अच्छी लगती हैं किसी को नहीं लगती हैं, तो मैं बहुत छोटी छोटी इसलिए काट के नहीं डालती हूँ। और आज एक और भी बात है मैं आगे आपको बताती हूँ, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसके बाद इसकी मैं गोल गोल सी जो है वो कबाब के शेप में बना लूँगी, क्योंकि आज मैं बॉयल्ड एग इसमें ऐड नहीं कर रही। एक्चुअली ना मैं हमेशा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, रमज़ान में भी और वैसे भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो है ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो जो होता है मौसम चेंज होता है, फ्लू और नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ होता है, तो इसलिए फिर मैंने उनको कह दिया था कि आपने आज खाना नहीं बनाना, मैं ही भेजूंगी। तो ये मेरा वैसे तो कोई इरादा नहीं था, ये तो मैंने सुबह को ही रख लिए थे, घर में ही बना रही थी, लेकिन फिर मैंने दोपहर को अम्मी को मना कर दिया था, तो मैंने अभी सालन भी बनाने हैं, तो ये बस मैं जल्दी जल्दी अब बना रही हूँ, और इनको बना के ना मैं फिर वहीं लेकर जाऊँगी आज रात को, खाना हम भी वहीं खा लेंगे, दो ही हैं हम लोग, और उनके लिए भी बना कर ले जाऊंगी। तो बस हाथों पे ऑयल लगा के सिंपल ही जो है मैं इसकी टिक्कियाँ टाइप की बना रही हूँ। अच्छा, ये बेसन में भी बड़ी अच्छी लगती हैं, कभी वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वैसे ज़्यादातर मैं क्रम्स वाली बनाती हूँ, ये ज़रा क्रिस्पी होती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन आलू की टिक्कियाँ बेसन में भी बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये देखिए जी, 10 से 15 मिनट्स मैंने बेक की है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी आवाज़ सुना रही हूँ, ये अभी मैं थोड़ी देर रखूँगी 5 मिनट, क्योंकि ना अभी भी ये और भी क्रिस्पी हो जाएंगे, और आप देखें कितने मज़े के अच्छे ये क्रिस्पी हो गए हैं, ऐसे लग रहा है बिल्कुल ही फ्रेश आप लेकर आए हैं। तो अगर आप ऐसे भी रस खाना चाहते हैं आप ऐसे खा लें, और केक रस भी इस तरह कर सकते हैं, ये वाली रस भी कर सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं आप दोबारा से उसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो खैर क्रम्स बनाने के मूड में थी, तो इसलिए मैंने वो अभी बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं दो सालन भी चढ़ा रही हूँ, दोनों जो प्रेशर कुकर हैं उनमें मैं रख रही हूँ। और एक वाला जो है ना बड़े वाला, ये मेरा मैजेस्टिक है शादी के टाइम का, छोटा वाला मैंने शादी के फ़ौरन बाद लिया था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा, तो हम दो लोग होते हैं तो मैं ज़रा तंग होती थी कि इतना बड़ा मैं क्या करूँ, कभी कभी यूज़ हो जाता है जब कोई गेस्ट आए या ज़्यादा कुछ ऐसे बनाऊँ या सब्ज़ी, तो तब बड़ा करती हूँ। छोटा वाला सोनिक्स के आई थिंक ये बहुत ही छोटा है, 3 लीटर का है, 2.5 3 लीटर का इतना ही है, तो ये सोनिक्स का, ये भी बहुत अच्छा है, और ये दोनों समझे मेरी शादी के टाइम से चल रहे हैं, 5 ईयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। काफ़ी सारे ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसके बारे में भी बताएं, तो आज मैंने सोचा कि मैं ये भी शेयर कर लूँ। और रबड़ तो आपको पता है जब इनके ख़राब हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, वो मैं चेंज करती रहती हूँ, ले लेती हूँ, ईजीली मिल जाते हैं। ये है कि यूज़ में मैंने दोनों को रखा हुआ है, दोनों में यूज़ करती हूँ। तो एक साइड पे मैं आलू गोश्त बनाऊँगी मटन में, और दूसरी साइड पे मैं कीमा आलू बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं ना उन दोनों को मेरे हाथ का आलू गोश्त बहुत अच्छा लगता है, बल्कि सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाई भी सालन नहीं खाता, लेकिन वो भी मेरे हाथ का शौक से खाता है, मेरे हस्बैंड भी, तो इसलिए मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, और मैंने सोचा ज़रा सा हल्का बना लेती हूँ, अम्मी भी खा लेंगी। और आप प्याज़ ज़्यादा ब्राउन कर लो ना, और मसाले ज़्यादा ना डालो, तो कलर अच्छा आ जाता है, टमाटर से भी कलर बड़ा अच्छा आ जाता है, क्योंकि आजकल टमाटर भी बड़े रेड रेड से मज़े के आए हुए हैं। तो बस सिंपल मसाले डाल रही हूँ, कुछ भी इतना स्पेशल नहीं डाल रही हूँ जो शेयर करूँ, वही जो घर के रोज़ाना के मसाले होते हैं। Thank you.
और यहाँ पे ना बारी बारी मैंने क्रम्स जो हैं उनको भी चॉपर में डाल दिया था ताकि अच्छी तरह से ये भी जो हैं बन जाएं। और आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ चॉपर के बारे में भी, मैं डिटेल में रिव्यू भी दे चुकी हूँ, प्राइस भी बता चुकी हूँ। न्यू जो मुझे सब्सक्राइबर ज्वाइन कर रहे हैं वो पूछते हैं मुझसे, तो मैं लिंक दे दूँगी इसका भी ऊपर, आप देख लीजिएगा। और अच्छी तरह से ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी क्रम्स बन गए हैं, आप देखें। थोड़ी देर ट्रे में मैंने फैला लिया, ज़रा और थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, तो अब इनको मैं इनके डब्बे में, कंटेनर में डाल दूंगी। अच्छा, कंटेनर मैंने पहले बड़ा लिया था तो ये काफ़ी बड़ा था, मुझे आइडिया नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसे दूसरी बॉटल में उसमें शिफ्ट कर दिया था। और अब मैं जो है इसकी कोटिंग कर रही हूँ। मैंने क्रम्स लिए हैं और आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट मेरे पूरे हो गए थे। इसमें नमक डाल रही हूँ, मिर्चें डाल रही हूँ और चाट मसाला डाल रही हूँ। मैं इसमें ना हमेशा अंडे की कोटिंग करती हूँ। आपको एग पसंद नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर, मैदे की, इनकी भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं मोस्टली एग के साथ कर लेती हूँ। और क्रम्स में ज़रूर ही मैं मसाले डालती हूँ क्योंकि ना उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, अदरवाइज़ बहुत ही रूखे फीके लगते हैं अगर आप उसको फ्राई करो तो। लाल मिर्चें डाल लें, साबित लाल मिर्चें, नमक, चाट मसाला, इस तरह की चीज़ें डाल लें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे रेडी हो गए हैं फ्राई, मैं इनको अम्मी के घर ही करूँगी जाके। और सालन भी मेरा रेडी हो गया है, बना के मैंने रख लिए थे, मैं वेट कर रही थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑफिस से आ जाएं तो फिर हम इकट्ठे ही चले जाएंगे। तो बस अभी वो आ गए हैं तो मैं अब इनको डाल रही हूँ कंटेनर्स में। आलू गोश्त बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत अच्छा लगा था। ऑयल अभी निकल आएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि गर्म करके मैं दोबारा डाल रही हूँ, काफ़ी देर हो गई थी बने हुए, रख दिए थे मैंने, बना कर रख दिए थे। तो बस अभी इनको मैं डाल रही हूँ। और कीमा भी दिखा देती हूँ, वो भी काफ़ी देर हो गई है बना हुआ, उसको भी दोबारा गर्म करती हूँ और फिर उसके बाद उसको भी डाल देती हूँ हॉट पॉट में, और फिर हम चलते हैं अम्मी की तरफ। तो ये है कटलेट्स की फाइनल लुक जो मैंने बनाई, यहीं पे फ्राई कर रही हूँ मैं। मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि फिर मुझे बिल्कुल ही माइंड से निकल जाता है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, जो कि मोस्टली मेरे किचन से ही था, तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, रात को 8 बजे मेरा व्लॉग आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।